वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगे आपको 1.4 का। आज का टॉपिक बेटा बहुत ही इजी है, ठीक है। सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करनी है और आपका टॉपिक ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आपका कोई भी एग्जाम में किसी भी -3, -2, -2, -5 जो मर्जी रख दे, बड़े से बड़ा नंबर भी रख दे, तब भी आप इजीली कर लेंगे, ठीक है बेटा। आइए स्टार्ट करें। देखिए बेटा, प्लीज आप इसको पहले ना ऑब्जर्व करो एक बात को, 8 / 4 = 2 होता है, पता है ना, 8 को 4 से डिवाइड करें 2। बस ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए कि ये 8 कैसे आया होगा। अगर मेरे पास ये स्पेस ना हो, ये वाला प्लेस की वैल्यू ना हो, तो मैं क्या इन दोनों से ये फर्स्ट वाले प्लेस की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल, 4 × 2, ठीक है। आप इसको फर्स्ट पोजीशन मानो, इसको सेकंड मानो और इसको थर्ड पोजीशन, तो यानी सेकंड और थर्ड नंबर को अगर प्लस कर दें तो ये फर्स्ट वाला नंबर आ जाता है, ठीक है। यानी आपको बस ये वाली अंडरस्टैंडिंग अगर आ गई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिवीजन जब हम करते हैं, जब भी कोई भी ऑपरेशन समझते हैं, तो हमें चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 3 भी है एक, वो भी मैंने इसी तरह से ऑब्जर्व करके ही आपको करवाया हुआ है कि जिसमें आपको ये नंबर ना दिया हो तो कैसे निकालना है, मतलब देखते ही आपको आंसर पता चलेगा, ठीक है बेटा। अब इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये तो बेसिक चीज थी जो आपको आनी चाहिए थी। क्वेश्चन देखो बेटा, a / b / b = -3, यानी एक नंबर इधर लिखो, एक नंबर यहां पे, ये दोनों ही नंबर उन्होंने नहीं दिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें एक नंबर दे देते थे, दूसरा कहते थे फिल अप, ठीक है, लेकिन इधर दोनों ही नहीं दिए, तो ये उससे भी इजी क्वेश्चन है। कैसे, जब दोनों ही नंबर ना दिए हो, एक नंबर की आपकी फ्रीडम है, ये लो मेरे पास भी फ्रीडम है, 1 भर दिया मैंने, तो अब मैं क्या करूंगा, ये नंबर कैसे निकालेंगे, अभी बताया ना आपको, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका फर्स्ट वाला नंबर आ जाएगा, तो हम इधर भी तो क्या करेंगे, 1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर नंबर आ जाएगा, तो 1 × -3 हमारा आंसर आता है -3, तो यहां पे -3 बस। अब मान लो ये तो फर्स्ट पेयर रेडी भी हो गया हमारा, फर्स्ट पेयर ए के प्लेस पे आपने क्या रखा, -3, कॉमा डाल के फिर दूसरा नंबर कौन सा आपने लिया था जी, 1 लिया था, ठीक है। आओ अब देखो सेकंड, मान लो इसी को ही करवाता हूं बेटा, डिवाइड ये = -3, ठीक है। यहां पे अपनी मर्जी से लो 2 फेल कर देते हैं, अब ये नंबर कैसे आएगा, वही ये नंबर क्यों रखा 2, जो मर्जी रखो आप, 1000 रख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 × -3 करो बस, -6, ये वाला नंबर आपका जो है इस पे डिपेंड करेगा। अब आप देखो, मैं थर्ड पेयर के लिए वही काम करता हूं, बड़ा नंबर रख के देखता हूं बेटा, 1000 = -3, अब भी तो वही रूल है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला नंबर आ रहा है, क्योंकि डिवीजन ही यही होती है, यही बताती है हमारे को, 1000 × -3 कर लो बेटा, -3000, बस हो गया बेटा ये नंबर, -3000, गॉट इट। तो आप बाकी 3 पेयर तो मैंने बना दी, उन्होंने 5 बोले हैं, आप तो जितने मर्जी पेयर बना सकते हो बेटा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, आप तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है बेटा। आई होप बेटा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये जो बाकी के 2 पेयर है मुझे बना के दिखाओ, देखो आपको ये समझ आ गया, ठीक है। 2 पेयर आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, बाकी कनेक्ट रहो बेटा और लाइक कमेंट किया करो वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करो अगर मैथ्स अच्छा लग रहा है, सीखना अच्छा लग रहा है। थैंक यू।